पर संभल के चंदौसी में भारतीय जनता पार्टी पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के तत्वावधान में सम्मान समारोह कागजी मोहल्ला स्थित शहीद गिरीश चंद्र पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों का अभिनंदन एवं अमर बलिदानियों के परिजनों का सम्मान करके शहीद की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर एवं NCC के कैडेट्स द्वारा सलामी के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव ने कहा, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज उन वीर सपूतों का दिन है जिनकी देश के प्रति दीवानगी ने हमें राष्ट्र भावना से भाव विभोर कर दिया। ऐसे लाखों सर जो वतन पर न्यौछावर हो गए, ऐसी अनगिनत कहानियां जिसे सुनकर हर भारतीय का दिल दहल उठता है। भाजपा जिला अध्यक्ष ओम वीर सिंह खड़गवंशी ने कहा, पूरा भारत देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन इस आज़ादी के जश्न के पीछे अनेकों कुर्बानियां हैं जिनकी वजह से हम आज आज़ादी का एहसास कर पा रहे हैं। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है। पालिका अध्यक्ष इंदू रानी ने कहा, वतन के वास्ते अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन महान सेनानियों की गाथा सुनकर हर भारतीय रो पड़ता था। उनको सशस्त्र नमन कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व MLC चंद्रपाल सिंह पप्पू चौधरी ने तथा संचालन कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर TS पॉल ने किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। आज ये कार्यक्रम किया गया, कार्यक्रम बारे में क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में है। हमारी पार्टी का ये मंशा है कि जो स्वतंत्रता सेनानी लाइमलाइट में नहीं आ सके थे, लेकिन उनका जो कार्य था वो उतना ही कीमती था जितना हम जिन लोगों को पहचान रहे हैं, लाइमलाइट में आ रहे हैं, उनको सम्मान देने की, उनके साथ संवेदनाएँ प्रकट करने का पूरा हम लोगों को पार्टी में चला है। और ये जन जन से जुड़ने का हमारा प्रोग्राम है, ताकि जो स्वतंत्रता सेनानी पूर्व के हमारे हैं, शहीद रहे, वीर शहीद जो है, उनके परिवारों को ये एहसास हो सके कि हम लोग उनके साथ हैं और उनका सम्मान हम उन्हें दिलवाना चाहते हैं। ये कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे कार्यक्रम बारे में? तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में आज़ादी के अमृत उत्सव पर ये कार्यक्रम कर रही है। गुमनाम सेनानी, इन्होंने देश को आज़ाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे आज़ाद कराने वाले परिवारों के प्रति और शहीद हुए जैसे जनता अग्रवाल जी की है, इन सबको भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को मना रही है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम चल रहा है, प्रचलित है, उसी के उपलब्ध कार्यक्रम में चंदौसी में पूरे जनपद संबंध में सही कार्यक्रम किए जाए।